एक क्विक अपडेट रहने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, जब मार्केट्स वगैरह गिरती हैं तो मैं खुल के बोलता हूँ कि भैया स्टॉक्स वगैरह खरीदो करके, ठीक है। जब मार्केट्स वगैरह ऊपर जाती हैं तो या तो मैं स्विंग कॉल खेलता हूँ, है ना। स्विंग कॉल मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे कि भैया ये स्टॉक ले रहा हूँ, वो स्टॉक ले रहा हूँ स्विंग के लिए, बट स्टॉप लॉस के साथ काम करता हूँ उसमें। अब जैसे मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पे जा रही हैं, दोबारा ऑलमोस्ट आई गई है, कितने 100-200 पॉइंट का डिफरेंस है मेरे ख्याल से, तो अब दोबारा से हम ऑल टाइम हाई पे जा चुके हैं। अब यहाँ पे स्टॉक बाइंग मैंने छोड़ दी है, जी है। अब ये हो सकता है कि इस टेलीग्राम चैनल पर अगले कुछ दिन तक यहाँ पे जो ज़्यादा स्टॉक्स आपको देखने को ना मिले, क्योंकि मैंने 4 जून को बहुत बहुत तगड़े लेवल की बाइंग करी थी। मैंने पर्सनली 2-2.5 लाख रुपए डाले थे मार्केट में और अब थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहा हूँ, ठीक है। आज के दिन में मैंने 50-60 हज़ार रुपये कुछ निकाला है, तो मैं करते रहता हूँ ये काम, ठीक है। बट मैं बाइंग सिर्फ तभी करता हूँ जब मेरे को अच्छे लेवल्स पर चीज़ मिलती है। अच्छे लेवल पर अगर चीज़ मिल रही होगी तो भैया मैं एक ही बार में 2-2, 3-3 लाख का भी माल खरीद लूँगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट जब मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पर जा रही हैं तो यहाँ पर भैया मैं रिस्क नहीं ले सकता कि भैया यहाँ पर मैं पैसा डालूँ, वहाँ पर मैं 10 हज़ार भी फूक फूक के डालता हूँ, सीधी बात बता देता हूँ, ठीक है। तो अब मार्केट्स दोबारा ऑल टाइम हाई पर जा रही हैं तो अब हो सकता है कि इस चैनल पर आपको लगे कि यार स्टॉक्स तो बता ही नहीं रहा ये, यार मैंने ज्वाइन किया था इसका चैनल कि भाई स्टॉक्स वगैरह बताएगा, भयंकर कुछ नहीं बता रहा ये वो। आई नो ये हो सकता है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी आप लोग फील करेंगे, बट यार देखो मार्केट ऐसे ही काम करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई वो तो धर्मशाला खोल के बैठा नहीं हूँ कि भैया मेरे को हर दिन आपको कोई ना कोई स्टॉक देना है, ऐसा कुछ तो मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं जो खरीदता हूँ मैं सिर्फ वही बताता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ टेलीग्राम चैनल्स में आज भी आपको इतनी तगड़ी लेवल की बाइंग रिकमेंडेशन वगैरह आ रही है, मैं देख रहा हूँ उनको भी, ठीक है। यूट्यूब चैनल्स पर आप जाओ, भर भर के आपको खरीदवाया जा रहा है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे कोई लॉजिक बनता है कि आप बहुत ज़्यादा माल खरीदो, ठीक है। छोटा मोटा आप खरीदो, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। इवन ऐसा तो है नहीं भैया मैंने कुछ खरीदा ही नहीं आज, मैंने खरीदा बट भाई 4-5 हज़ार का माल खरीदा है, ज़्यादा नहीं खरीदता मैं। जब मार्केट सुपर जा रही है तो उसमें समझदारी ये होती है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट घर को लेकर आएँ, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट वगैरह घर जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भैया मैं तो खुद बुलिश हूँ मार्केट के ऊपर, मैं यहाँ पे कैसे बोल दूँगा भैया मार्केट वगैरह गिर जाएंगी। कोई यहाँ पे अभी मेरे को तो नहीं दिख रहा कि मार्केट्स यहाँ पे गिर जाएंगी। ये ऊपर का लेवल से रिजेक्शन आ गया तो कर क्या लोगे आप उस समय, कुछ नहीं कर पाओगे फिर आप, ठीक है। मार्केट जब गिरने पे आती है तब नहीं पता चलता है कि भैया आप क्या करें, ठीक है। आज जो पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिख रहा है, अगर एक दिन बाद वही थोड़ा सा, मान लो अगर आज के दिन आपको अपने पोर्टफोलियो में 50 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा है और अगर कल गैप डाउन, मतलब मंडे को गैप डाउन हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, फॉर एग्जांपल जस्ट केस में बता रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपका मान लो अब वो खुल गया, वो 35 हज़ार पे खुल गया आपका प्रॉफिट वाला जो एरिया, 50 हज़ार जो दिख रहा था अभी वो 35 पे दिखा, आप घंटा यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे उस समय, मैं लिख के दे सकता हूँ, होगा ही नहीं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, यहाँ पर जब आप पहले ही 50 हज़ार का प्रॉफिट देख चुके हैं आपसे वो 35 हज़ार पर बुक होगा ही नहीं, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है ना तब प्रॉफिट बुक करा करो, तब समझदारी होती है। भले यहाँ पर क्या हो जाता तो क्या हो जाएगा, ऐसा तो मैं बोल नहीं रहा भैया पूरा पोर्टफोलियो बुक करके घर ले आओ, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहो ताकि कैश पे आते रहो, है ना। कैश जब हाथ में होता है ना तो पावर अल्टीमेटली आपकी बढ़ जाती है कोई भी गिरावट आए। और हाँ ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जब भी अभी आज के लेवल से भी बता रहा हूँ मैं, निफ्टी जब भी 150-200 पॉइंट से ज़्यादा डाउन मिले खरीदारी कर लिया करो, कुछ मत सोचा करो, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाके पढ़ने की जरूरत है भैया क्या हो गया, क्यों मार्केट गिर रही है, मार्केट में ये हो गया वो हो गया, पैनिक हो गया ये हो गया वो हो गया, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको निफ्टी 150-200 पॉइंट से ज़्यादा डाउन मिले, अपने जो भी फेवरेट स्टॉक्स हों वहाँ पर अगर वो गिरे हुए हैं भैया खरीदारी कर लो चुपचाप, ठीक है। और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली कहाँ से पलटेगी मार्केट किसी को नहीं पता, एग्जैक्टली कहाँ तक जा सकती है मार्केट किसी को नहीं पता, फैक्ट इज दिस, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वाले तो भैया बुलिश हैं, कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म वाले मैं बहुत बुलिश हूँ, शॉर्ट टर्म में जैसे जैसे मार्केट से ऊपर जाएंगी भैया मैं प्रॉफिट बुक करता हुआ चलूंगा, ठीक है। ये मेरी भैया अब बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है, दो ही रूल मैं फॉलो करता हूँ जिंदगी में यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, और ये पिछले कई सालों से मैं फॉलो करता आ रहा हूँ और अच्छा पैसा बना रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं अपने रूल पे स्ट्रिक्ट हूँ। अब कई लोग इसको ये बोल सकते हैं कि भाई तू तो बड़ा वो है, नादान है, तुझे कुछ नहीं आता पढ़ने, ये वो, ठीक है भाई मेरे को नहीं आता पढ़ने, बट मैं अगर प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो मैं उसमें खुश हूँ भाई, मुझे किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं पर शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं दिखाना भैया मैंने कितना कमा लिया है, कितना मैंने बना लिया, मुझे कोई आपको कुछ बेचने नहीं आया हूँ मैं, सीधी बात है यहाँ पे, है ना। तो सीधी बात है भैया यहाँ पर बहुत सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में मैं बोल देता हूँ, जब भी मार्केट में 150-200 पॉइंट से ज़्यादा आपको गिरावट मिले चुपचाप जाके खरीदारी कर लो, कुछ ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं है।
जब भी मार्केट्स अपने ऐसे ऑल टाइम हाई, भैया अच्छा प्रॉफिट दे रही हूँ आपको, बहुत शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो भैया बुक करके घर ले आया करो। ठीक है, बस इतना ही मेरे को अपडेट देना था, बोलना था। और यहाँ पे मेरे को आईडी स्टॉक्स बड़े पसंद आए थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है आईडी स्टॉक्स में मैं भैया आजकल मैं बोल रहा हूँ खरीदारी करने के लिए, मैंने कम से कम 2 से 3 महीने पहले ही बोल दिया था खरीदारी कर लो, और बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स आपके नज़र में रख दिए, TCS, इन्फोसिस, बिरला सॉफ्ट, ठीक है, IDB, सारे आपके पास पड़े होंगे इस समय। ठीक है, जिसके पास नहीं है भैया, देखो आपने या तो शायद चैनल लेट ज्वाइन किया है या तो पहले ज्वाइन किया होगा, तो आपसे मिस हो गया भाई। सीधी बात, आईटी सेक्टर में बहुत टाइम से बोल रहा था खरीदारी करने के लिए, और ऐसे मैंने प्राइवेट बैंक्स भी दिए थे। ठीक है, तो प्राइवेट बैंक में मैंने HDFC और कोटक बैंक इतना भर भर के बोलता मैंने खरीदारी कर लो, अब देखो वो ऊपर आ गए हैं। ठीक है, तो बस मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं बोलूँगा भैया ये हो गया वो हो गया, मुझे कोई शो ऑफ नहीं करना है, बस मैं सिंपल आपको ये बताने आया हूँ कि जैसे जैसे मार्केट्स अपनी ऊपर जा रही है ऑल टाइम हाई पे, यहाँ पे मैं खरीदारी कम कर दूंगा अभी। ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, तो हो सकता है अगले 2-4-5-10 दिन जो है आपको ज़्यादा बाइंग रिकमेंडेशन ना आए इस चैनल पर, तो छोड़ के बच्चा जाना या फ्रस्ट्रेट मत हो जाना कि यार स्टॉक्स तो बता ही नहीं रहा है। ठीक है, जब अपॉर्चुनिटी आएगी इकट्ठी ग्रैब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साथ मिलके पैसा बनाएंगे, साथ मिलके अमीर होंगे, साथ मिलके करोड़पति बनेंगे, बस यहाँ पे काम करते रहना ढंग से, और जब जब मैं जो बोलूँ उस चीज़ को भी अगर फॉलो कर लिया अगले 6 महीने के लिए स्टॉक्स में काम करके देख लो मेरे साथ, अपने आप सबको अच्छा लगेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहो, फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहो, इंटरडे ट्रेडिंग से दूर रहो, उधार का पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाओ, पापा का पैसा मम्मी का पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाओ, अपना पैसा होना चाहिए जो अगले 3 से 5 साल के लिए अगर कुछ हो भी जाता है बाई चांस, मार्केट में अचानक क्रैश आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो अगले 3 साल के लिए आप पैसा डाल सके, पैसा होल्ड कर सके स्टॉक मार्केट में, सिर्फ वही पैसा स्टॉक मार्केट में डालो, और 30-40% कैश हमेशा रिजर्व में रखो जब भी मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक हों। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर कर दिया हो, फिर भी कोई डाउट रहता है तो भैया आपको मेरी आईडी पता ही है @vishal_1005। ठीक है, तो उस पर मेरे को मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैंने आई होप सबका डाउट सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे इस ऑडियो में। चलो बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी ऑडियो सुन रहे हो।